different types of graph. So first graph, what I am going to do is distant time graph. You already know differentiation and you know integration now. After having known differentiation and integration, your understanding with respect to graph will be easy now. I repeat, after having known integration and differentiation, I will relate things so beautifully, you just see. Let us do the basic discussion first. You should, and bachcha, main abhi bata raha hun, whatever content is taught, see, there are certain things which you should do mandatorily, which is called smart work. And what is that? When we are delivering you the content, it is your right duty that when sir is telling you certain important points, ki important hai, ye karo, aisa, so it is your job to note it, to copy it. At any cost, you should do that. Because later when syllabus is so vast, and it is not possible that you will be able to accumulate, remember so much of data. It takes lots of time. And when data is not maintained, your brain cannot remember the concepts then. So, what is the smartness? The smartness lies in whenever sir is delivering the content, where sir says, bhai ye aisa hai, to tujhe wo note karna chahiye, wo yaad rakhna chahiye. To hi matlab ka hai. नहीं तो सब पानी में जाने वाला, कोई मतलब का नहीं है. तो यही स्मार्ट वर्क है. अभी देख, मैं तो इतना ब्यूटीफुली रिलेट कराता हूँ, इतना अच्छा कंटेंट है. सी, हम नॉर्मली क्या बात करते हैं, तुझे पता है तो नहीं, पता नहीं मुझे, मालूम नहीं, बट स्टिल आई एम डूइंग इट वंस अगेन. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ये सबको पता है, मैंने ये सब करवाया है. जहां पे C को बोला मैंने, C इज इंटरसेप्ट ऑफ y एंड m इज tan थीटा. ओके, C इज इंटरसेप्ट ऑफ y एंड m इज tan थीटा. नाउ इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही हुआ सर, बचपन में एक इक्वेशन किया था, तो मैंने दिखाया है तुम्हें, मैंने दिखाया कि नहीं मुझे याद नहीं, मैं एक और बार दिखा देता हूं. दिखाया तो अच्छी बात है. ये टाइम है, ये वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, हाँ ये वेलोसिटी है, एंड ये ऐसा है, ये ग्राफ है. सो ये तुमने बचपन में नाइन्थ में किया था, डॉट डॉट. तो मैंने कहा था ये फ्लैशबैक हो रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी, मैंने कहा था ये फाइनल वेलोसिटी, नाइन्थ की बातें कर रहा हूं, मैंने ये गैप को बोला था फाइनल माइनस इनिशियल बोला था, इसको हम थीटा बुलाएंगे. ओके, इसको हम थीटा बुलाएंगे, इसको नाम देंगे ए बी सी. अब देख, मैटर ऑफ डिस्कशन क्या है, अगर मैं टेन थीटा लेता हूं तो ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट बी सी है. अपॉन एडजेसेंट क्या है, ए सी है. बी सी क्या है, वी माइनस यू, करेक्ट है ना. बी सी इज वी माइनस यू, करेक्ट है कि नहीं. ए सी इज टाइम. ओके, वी माइनस यू अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम देता है एक्सेलरेशन, करेक्ट है ना. वेलोसिटी अपॉन टाइम देता है एक्सेलरेशन. तो क्या समझ में आया, कि समझ में ये आया, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, स्लोप, इसको हम स्लोप बोलेंगे. स्लोप क्यों, ऐसा कभी भी याद रख, टैन थीटा को ही हम स्लोप बोलते हैं. स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ इज एक्सेलरेशन, ये तो तू जानता है, अच्छी बात है. सो ये इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. वाई एक्सिस क्या एक्सिस है, वाई एक्सिस वेलोसिटी का एक्सिस है. y एक्सिस वेलोसिटी का एक्सिस है. m बोले तो tan थीटा, एंड tan थीटा सॉल्व करने पर क्या आया, एक्सेलरेशन आया. एंड x यानी टाइम, देखना x एक्सिस यानी टाइम. इंटरसेप्ट यानी ओरिजिन से लाइन की दूरी. आई रिपीट, इंटरसेप्ट बोले तो ओरिजिन से लाइन की दूरी. ओरिजिन, ये ओरिजिन है,
ओरिजिन से लाइन की दूरी इधर है, ये कितना पट्टा है? ये जो पट्टा है ये यू है, तो आया कि नहीं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, करेक्ट है? करेक्ट है। इसका एक और एडवांटेज है, आया कि नहीं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बचपन वाला नाइन्थ वाला, करेक्ट बोला मैं? करेक्ट बोला, कॉन्सेप्ट गया नहीं गया? तो सर समझ में क्या आया? सर आप आखिर में बोलना क्या चाहते हो? बच्चा मैं यही बोलना चाहता हूं कि एक मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है, मैं ये बोलना चाहता हूं कि वेन एवर द इक्वेशन का पावर इज वन, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, मैं ये बोलना चाहता हूं ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, व्हेनेवर द इक्वेशन का पावर इज टू, ग्राफ इज कर्व, ग्राफ इज कर्व नहीं, ग्राफ इज क्वाड्रेटिक, दैट इज सॉरी ग्राफ इज पैराबोलिक, ग्राफ इज पैराबोलिक, पैराबोलिक, पैराबोलिक मतलब ऐसा, पैराबोला मतलब दिमाग में पैराबोला का शेप ड्रॉ कर देता हूँ, जिसको मालूम नहीं पैराबोला उनके लिए पैराबोला कैसा दिखता है मैं वो दे देता हूँ, ये पैराबोला है, इसको हम पैराबोला बोलते हैं मैथ्स में, इसको हम पैराबोला बोलते हैं। अगर ऐसा कर्व आया ना, कर्व, तो समझ जा इसका जो डिग्री है, इक्वेशन का डिग्री वो टू है। ये सारे डेटा को तुझे याद रखना है कि ये सारा डेटा याद रखा और याद रखा एंड याद रखेगा, देन आई विल रब दी बोर्ड एंड आई विल सर विल गो आगे, देन सर विल रब दी बोर्ड एंड सर विल गो आगे, ओके। इसी के ऊपर आगे का फिजिक्स टिका हुआ है, इसी के ऊपर अब आगे का फिजिक्स टिका हुआ है, देख रब करो, सब कुछ रब करो, नोट किया, डन। चलो अब हम मैटर ऑफ डिस्कशन में आ जाते हैं, आखिर में मेरे को डिस्कस क्या करना था, व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस, आई विल डिस्कस दैट नाउ हियर, ओके। जस्ट जस्ट सी नाउ, मेरे को क्या डिस्कस करना था मैं वो बात करता हूं, देख, ओके, मेरे को क्या डिस्कस करना था मैं वो बात करता हूं, देख अभी। सी एक फ्लैशबैक कराता है, लेट मी मेक अ फ्लैशबैक टू यू, ओके। द फ्लैशबैक इज दैट, द फ्लैशबैक इज दैट, अगर x x ऑफ t लास्ट क्लास इज हैविंग सम इक्वेशन लाइक 5t² प्लस 3t, वेलोसिटी ऑफ t विल हैव व्हाट पावर? दिस वेलोसिटी का इक्वेशन विल हैव व्हाट पावर? एक्सेलरेशन का इक्वेशन विल हैव व्हाट पावर? कम ऑन टेल मी नाउ, वेलोसिटी के इक्वेशन विल हैव व्हाट पावर? वेलोसिटी विल हैव पावर एज वन एंड एक्सेलरेशन विल हैव पावर एज जीरो, करेक्ट। सो अगर इसका डिग्री दो है तो इसका डिग्री वन आएगा और इसका डिग्री जीरो आएगा, करेक्ट। अगर ये क्लियर है, अगर ये क्लियर होगा तो अब ग्राफ क्लियर होगा, देख ये क्लियर होगा तो ग्राफ क्लियर होगा, मैं रब दी बोर्ड, करेक्ट है। चलो नाउ यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ बेटर मैनर, जस्ट सी नाउ यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ बेटर मैनर, राइट डाउन डिस्टेंस टाइम ग्राफ करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी करेंगे, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ करेंगे, फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ करेंगे। सो लेट अस गो इन ऑर्डर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ,
ग्राफ हैव अकर्ड इन पेपर पास्ट पेपर मेनी टाइम्स, ग्राफ सिलेबस में आया है बहुत बार। तो फर्स्ट वन जो है वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का फर्स्ट वन इन दैट व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। तो ग्राफ कैसे दिखेगा? यस, देख इधर, रेस्ट मतलब क्या? बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है। रेस्ट मतलब बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है। ओके, तो ये जीरो है, लेट अस से ये डिस्प्लेसमेंट है, लेट अस से ये टाइम है। ओके, यू शुड अंडरस्टैंड द ग्राफ। हाँ, आई रिपीट बच्चा, यू शुड अंडरस्टैंड द ग्राफ। एकदम थिंकिंग जो है वो एकदम लॉजिकल होना चाहिए, चलो नाउ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट ऐसा आएगा। सर ऐसा ही क्यों आएगा? यही तो लॉजिक समझना है। सी, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर इन कॉम्पिटिटिव रिलेटेड टू दिस आल्सो, सो यू हैव टू लर्न टू थिंक अलॉट। ओके, नाउ यहां पे डिस्प्लेसमेंट लेट अस से ये 5 है, डिस्प्लेसमेंट 5 है, मतलब रेफरेंस है। सर बोलने का मतलब क्या? बोलने का मतलब है कि सर रेफरेंस से ये दूरी जो है वो 5 की है। ओके, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट, मतलब क्या? टाइम जा रहा है, देख 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड टाइम जा रहा है, बट पोजीशन सेम है कि अलग है? देख लॉजिक वाला, टाइम जा रहा है बट इसका जो पोजीशनिंग है, पहले 0 पर 5 था, जैसे जैसे टाइम आगे गया क्या इसका पोजीशन सेम था कि चेंज हुआ? टाइम के साथ इसका पोजीशन सेम था कि चेंज हुआ? सर सेम था। अगर चेंज होता तो ये ऊपर चढ़ता 5 to 6, 6 to 7, या नीचे गिरता 5 to 4, 4 to 3। ये सेम था, इसका मतलब ये है, ये रब कर, ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में द बॉडी इज एट रेस्ट। सी, बच्चे को कंफ्यूजन किधर है, मैं आज बात अभी बात करूंगा। बच्चा ब्रेन यूज नहीं करता है, उधर कंफ्यूजन है। बच्चे को ब्रेन यूज करने में कमी लगती है इस जगह में। पिक्चर देखते टाइम, डांस के मूव्स करते टाइम, उधर बराबर बच्चा दिमाग चलाता है। बस इधर ही मेरे फिजिक्स में ही बच्चा दिमाग नहीं चलाता है, बाकी सब जगह बहुत ज्यादा दिमाग चलता है तुम सबका, है ना? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ व्हेन द बॉडी इज मूविंग, बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, ये ऐसा है। सर ऐसा ही क्यों आएगा? अब क्वेश्चन है कि सर ऐसा ही क्यों आएगा? मैं रीजन बताता हूं। ऐसा ही इसीलिए आएगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मेरा है वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन। लास्ट क्लास हमने कितना स्ट्रेस किया था ये वर्ड यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर। ओके, यूनिफॉर्म मतलब क्या? कॉन्स्टेंट। ओके, देख देख तू दिमाग नहीं चलाएगा तो जरा लॉजिक नहीं चलेगा, मैं वो बात बहुत क्लियर हूं। हाँ, और माइंडसेट हमेशा ओपन चाहिए समझने के लिए। लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म का मतलब है कि कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? देख पढ़ेगा, मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी ब्रैकेट में डाला है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी का 9th स्टैंडर्ड का डेफिनेशन क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। करेक्ट, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, मतलब देख ऐसा कुछ होगा। हाँ ओके, ऐसा कुछ होगा, एक सेकंड में 2 मीटर, दूसरे सेकंड में 4 मीटर, तीसरे सेकंड में 6 मीटर, 4 मीटर 6 मीटर। देख क्या ये स्ट्रेट लाइन आया, क्या ये डिस्प्लेस डिस्टेंस आया, क्या ये टाइम आया? ये टाइम, ये डिस्टेंस, 1 सेकंड में 2 मीटर, दूसरे सेकंड में 4 मीटर, तीसरे सेकंड में 6 मीटर। करेक्ट है, तो ये स्ट्रेट लाइन आया, इसीलिए इधर स्ट्रेट लाइन आया।
अब तुझे समझा नहीं समझा? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट विल गिव मी यूनिफॉर्म मोशन, दैट विल गिव मी यूनिफॉर्म मोशन. इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंसेस भी इक्वल थे, डिस्टेंसेस भी इक्वल थे, टाइम भी इक्वल थे, इसीलिए उसको बोला गया यूनिफॉर्म मोशन. ये दो मैंने डाला बेसिक लेवल का. ओके नाउ हमको चाहिए एक्सेलरेटेड मोशन, हमको चाहिए एक्सेलरेटेड मोशन एंड डीसेलरेटेड मोशन. इसी में हम थोड़े मन में देख रहे हैं एक्सेलरेटेड मोशन. बाद में कैसा फील देता हूं देख, बाद में कैसा फील देता हूं देख. एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन ऐसा फील आएगा तुम्हें साला सोचा ही नहीं होगा कैसा मैं मैथ्स का मिलन फिजिक्स के साथ करेगा. ओके और ये डीसेलरेटेड मोशन, रिटार्डिंग डीसेलरेटेड. डिस्टेंस टाइम ये देख, जैसे जैसे टाइम जाएगा डिस्टेंस ज्यादा जाने का, टाइम कम जाने का, और ये डिसेलरेटेड मोशन. ऐसा ही क्यों? एक्सप्लेन करो ऐसा ही क्यों. देख जैसे एक्सेलरेटेड मोशन, नाम ही एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड मोशन यानी जैसे जैसे टाइम जाएगा डिस्टेंस कवर्ड ज्यादा होगा. देख इधर देख और इधर देख, देखिए गैप देख, डॉट 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 और इधर का गैप देख, सेम गैप है इधर, डॉट 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 करेक्ट है ना, थोड़ा सा और दूर, डॉट 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 देख पट्टा सेम है, डॉट 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 देख 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 तक फील आएगा. पट्टा सेम है, देख डिस्टेंस सेम दिख रहा है, बट सॉरी टाइम सेम दिख रहा है, टाइम ये देख, इतना गैप देख, ये गैप देख और ये गैप देख, दोनों का गैप सेम है, गैप इज सेम बट डिस्टेंस कवर्ड इज, जैसे जैसे आगे जा रहा है डिस्टेंस कवर्ड ज्यादा है, पहले इतना था अब इतना है, करेक्ट है. मतलब जैसे जैसे टाइम जा रहा है डिस्टेंस कवर ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? जैसे जैसे टाइम जा रहा है, जैसे जैसे टाइम जा रहा है डिस्टेंस कवर जो है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, यही तो है एक्सेलरेशन. हाँ यही तो है एक्सेलरेशन, करेक्ट, बढ़ रहा है, इसी को बोला गया एक्सेलरेटेड मोशन. क्यों? एक्सेलरेशन मतलब गाड़ी भगा रहा है भाई साहब, गियर में डाल के भगा रहा है बस बॉस, करेक्ट है. तो ये था एक्सेलरेटेड मोशन. ओके ये था एक्सेलरेटेड मोशन. ओके अब हम देखेंगे डीसेलरेटेड. डीसेलरेटेड मतलब क्या? जैसे जैसे टाइम, टाइम के साथ डिस्टेंस कवर ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? डीसेलरेटेड मतलब तो एक घर की तरफ पहुंच रहा है, अभी तेरा घर आ गया, तो टाइम के साथ तेरा, टाइम के साथ लिसन केयरफुली, विथ टाइम योर डिस्टेंस कवर्ड शुड बी मोर और लेस. गाड़ी बंद पड़ने वाला है तो डीसेलरेट होने वाला है या एक्सेलरेशन कम होने वाला है, तो टाइम के साथ डिस्टेंस कम के ज्यादा? सर कम, बच्चा बोलता है सर कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, इसीलिए कम होना चाहिए है ना, टाइम के साथ डिस्टेंस कवर्ड कम होना चाहिए क्योंकि डीसेलरेट है. डीसेलरेशन मतलब कम होना. देख इधर ये ले, टाइम ये ले, डॉट 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 देख, डॉट 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 डॉट, इमेजिन ले ना, दो पट्टा ले, दो पट्टे के दूरी सेम ले, डॉट 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 डॉट. अब देख डॉट 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 नो डॉट 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 देख गैप, डिस्टेंस का गैप बढ़ टाइम के साथ, लॉजिकली देख टाइम के साथ
डिस्टेंस कवर्ड की दूरी बढ़ रही है कि घट रही है ऐसे ग्राफ ड्रॉ करने पर। यू हैव टू लर्न टू इमेजिन, जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है डिस्टेंस कवर्ड इज लेस और मोर, डिस्टेंस कवर्ड इज लेस, इसीलिए इसको बोला गया डिसेलरेटेड मोशन। ठीक है, क्या ये चार टाइप ऑफ ग्राफ तेरे मन में गए? क्या ये लॉजिकली एकदम लॉजिक के साथ एक्सप्लेन किया, मतलब सबूत है? अभी भी फील नहीं दिया, फील अब देगा सर, फील नहीं दिया है अभी, सर फील देगा, देख। फील अब देगा, देख, बोर्ड अप करो, इधर तक गया, बोर्ड अप नहीं करता हो, तुझे फील देता हूं, रुक, तुझे फील देता हूं, बोर्ड अप नहीं करता हूं, रुक। अगर एक्सेलरेटेड मोशन है, देख फील आएगा, अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो पोजीशन का इक्वेशन क्या है? पोजीशन की इक्वेशन का पावर क्या है? एक्स ऑफ टी। अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो पोजीशन की इक्वेशन का पावर क्या है? पोजीशन की इक्वेशन का पावर क्या है? कम ऑन टेल मी, टू है पोजीशन की इक्वेशन का पावर, पोजीशन की इक्वेशन का पावर, तू समझ नहीं रहा है लॉजिक, पोजीशन की इक्वेशन का पावर बोला मैं, पोजीशन की इक्वेशन का पावर टू है, डिग्री टू डिग्री। देख ग्राफ, देख पैराबोलिक है, देख ग्राफ पैराबोलिक है, देख ग्राफ पैराबोलिक है। हाँ, कैसा था फील, कैसा है कॉन्सेप्ट का? देख मैथ्स का मिलन फिजिक्स के साथ कैसा है, मैथ्स का मिलन फिजिक्स के साथ कैसा है? अब मेरे को बोल, देख आया कि नहीं फील, सच में आया है ना? ऑटोमेटिक, कितना कितना कोइंसिडेंस है। देख एक और है, देख एक और देता हूं मैं तेरे को, एक और फील देता हूं, देख मैं एक और फील देता हूं, देख तेरे को। अभी मेरे को ये बोल, अब मेरे को ये बोल, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो पोजीशन का जो डिग्री आया है वो क्या आना चाहिए? अगर वेलोसिटी आया है, वेलोसिटी आ रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगा तो पोजीशन का इक्वेशन का पावर क्या होना चाहिए? वन, वन होना चाहिए, डिग्री एक होना चाहिए, डिग्री एक होना चाहिए। मैं सबूत भी दिखाता हूं, तेरे को विश्वास नहीं आता तो मैं सबूत दिखाता है, सबूत देख, मैं सबूत भी दिखाएगा। ओके, अगर डिग्री वन है क्या इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है? अगर डिग्री वन है तो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट है, करेक्ट है, क्या कॉन्सेप्ट बैठ रहा है दिमाग में? अब देख, अब ये भी स्ट्रेट लाइन है बट ये ऐसा हॉरिजॉन्टल है, अब ये कांस्टेंट है। अब मैं तेरे को एक फील देता हूं, इन दोनों का फील चाहिए तो मैं इन दोनों का फील देता हूं, देख इधर मैं रब करके मैं फील देता हूं, ये तो कॉपी किया क्या तूने? कॉपी किया सब, मैं रब करूं, सब कॉपी किया, ये था फील, मैं एक और फील देता हूं इक्वेशन के साथ। हाँ, एक और फील देता हूं इक्वेशन के साथ, लेट मी रब दिस, देख इधर मैं तेरे को रियल अंडरस्टैंडिंग देता हूं। ओके ओके, एक्स ऑफ टी इज 5t, 5t तो वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ टी क्या होगा? 5 होगा। अगर वेलोसिटी 5 होगा तो क्या ये यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? करेक्ट है। अब वेलोसिटी के इक्वेशन, इक्वेशन का पावर इज 0 बट पोजीशन, पोजीशन यानी डिस्टेंस, इसका इक्वेशन का पावर क्या है? 1 है। देख अभी तेरे को मालूम पड़ता है, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, देख देख ध्यान से देख, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो पोजीशन का इक्वेशन का पावर 1 है। देख मैंने पोजीशन यानी डिस्टेंस, मैंने मेरा ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ, इसका स्ट्रेट लाइन आया, देख डिग्री 1 है, मैच खाया, मैच खाया नहीं खाया, और वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब मैच हो रहा है, अब फील आ रहा है नहीं आ रहा है, अब फील आ रहा है नहीं आ रहा है,
देख ये इक्वेशन की तू पहले ये समझ ग्राफ किसका है, यू शुड अंडरस्टैंड ग्राफ किसका है। ये ग्राफ एक्सेलरेटेड मोशन है, बट ग्राफ किसका है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अभी सेम, अब सेम मैं बोलूंगा पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ओके, पोजीशन टाइम ग्राफ इज 5t² + 3t + 1। अब इसका वेलोसिटी क्या आएगा, इसका वेलोसिटी आएगा 10t + 3, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा 10। देख अगर एक्सेलरेटेड मोशन आ रहा है, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चाहिए, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चाहिए तो उसके पोजीशन का इक्वेशन का डिग्री क्या चाहिए, डिग्री 2 चाहिए। देख इसीलिए कर्व आया, क्योंकि ये ग्राफ किसका है, सर फोकस ऑन ग्राफ, ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ का है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिग्री 2 है, तो कर्व ही आएगा। अगर सेम क्वेश्चन होता, बच्चा देख अभी मैं चेंज कर रहा हूं, अगर सेम क्वेश्चन होता बट ग्राफ पोजीशन टाइम नहीं रहता, ग्राफ वेलोसिटी टाइम रहता, बच्चा सेम क्वेश्चन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेम क्वेश्चन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता, बट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है, हाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर इधर वेलोसिटी और टाइम रहता तो ग्राफ कैसे होता, तू बोल, अब तो ग्राफ कैसे होता, तू बोल, कम ऑन, यू गुड थिंग। अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं, अगर मैं बोलता ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता, वेलोसिटी और टाइम होता, और हेडिंग वही है एक्सेलरेटेड मोशन। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। सर अगर ये वेलोसिटी होता और ये एक्सेलरेटेड मोशन होता, तो एक्सेलरेशन मोशन में वेलोसिटी का डिग्री कितना है, वेलोसिटी का डिग्री 1 है, तो ये कैसा दिखता, ये कर्व नहीं आता सर, सर ये कर्व नहीं आता, तब ये कैसा आता, स्ट्रेट लाइन आता, ये स्ट्रेट लाइन आता। क्या तूने अब ग्रिप पकड़ा, मतलब तूने क्या अब ग्रिप पकड़ा, कॉन्सेप्ट का ग्रिप पकड़ा, फील अब आ रही है, अब आती है मैथ्स का फील फिजिक्स के साथ, अब आती है ना मैथ्स का फील फिजिक्स के साथ, एकदम बराबर मिश्रण है, मिश्रण मतलब मिलन, मिलन क्या, एकदम सही मिलन किया मैथ्स ने फिजिक्स के साथ कॉन्सेप्ट वाइज। चलो ठीक है, अब हमने देखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हाँ ये सब रिलेशंस तू बाद में बता मेरे को, कराते क्या कहीं पर भी, इतना डीप, आधा घंटा सिर्फ साला चार ग्राफ के ऊपर आधा घंटा डाला, चार ग्राफ के ऊपर आधा घंटा डाला है, तू देख और मेरे को बताना, कराते क्या बाद में, ठीक है। चलो अब हम देख रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टिल हियर एनी डाउट, मैं आगे जाने के पहले पूछ रहा हूं, टिल हियर एनी डाउट, अभी तक डिस्प्लेसमेंट भी करना है, हम लास्ट में लेंगे, तेरे मन में डाउट आएगा, सर डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम में फर्क है, हाँ बच्चा फर्क है, क्या फर्क है, कितना फर्क है, कैसा फर्क है, वो सब मैं बाद में बताऊंगा, मैं करूंगा वो सब बाद में, ठीक है, इधर तक सबको क्लियर है।